रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। डॉक्टर चैतन्य चंद साहब स्टेज और सामने की सफों में बैठे हुए मौजूद विषय है। इम्तियाज देरी साहब बोल रहे थे कि बहुत सारी चीजें हाँ बहुत सारे जो तुमको नहीं मालूम मालूम बोल रहे थे कि बहुत सारी चीजें हमारे बच्चों को आगे चाइल्ड इज पार्ट इज फादर ऑफ उस फादर। हम आम जबान में कहे तो बच्चा उसके बाप का था, वो जमाना आ गया, दुनिया खुले में बंद हो रही है, उसके हो गई है। और जिस हिमात से हमारे समाजी बिजली का बच्चा समय यहाँ पर अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में बोल रहा था, उसका अहमद आप लोगों ने देखा होगा, वो तकरीबन सात डेढ़ साल से मेरे आते हंसते रहता है, घूमते रहता है, समझ नहीं आता कि तुम सब लोग करो बरामद हो, बोलते रहता है, हंसते भी रहता है। ठीक है, आप देखेंगे इंतजाय और उसका मिजाज उसके औसान बता रहे कि रुकने वाले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में शायद इसकी पहली कोशिश है और उसको इससे रिलेटेड एक शख्स ने बताया कि हम लोगों ने अंग्रेजी में जबान में बहुत सारी एक्टिविटियाँ फाइलिंग के काम किए, बात कर रहा है भारत अंग्रेज तौर पर इससे उनको भी फायदा हो गया। अलहमदिल्ला बहुत बहुत मुबारक हो। इम्तियाज खलील जी उन्होंने एक बात और कही कि मैं एक से एक टैलेंट शहर में बल्कि मैं समझता हूँ कि मुसलमानों में, मैं तो इस बात का बिल्कुल मेरा ईमान है कि मुसलमानों ज़्यादा टैलेंट इसके पास नहीं। और उसका बयान शुरू किया है कि आज कुरान मजीद हजारों में लाखों के दरमियान किन ग्रहों की सीधे मुद्राए जो कौन इतनी जहीन हो उसके जहानत पर तो कोई शक होने नहीं चाहिए। हम लाभवादी हैं, अपने मकसद से रहते हैं, ये बात सच है। उन्होंने एक बात कही कि बहुत टैलेंट है और कहीं ना कहीं उनको परखा नहीं गया है, चीज अपने आप को मनवाती है। मुझे याद है सदर अमरीका को जब 1970 की दहाई हुई बैरुल अकवामी कार्या पॉलिसी के ताल्लुक से जरूरत पड़ी और वो अपनी लाइब्रेरी में गए, ढेर सारे एक्सपर्ट्स की उस वक्त के बड़े बड़े वो अकादमी वो मुसनफिन कार्या पॉलिसी को माहिर बनाए जाते थे, उन्होंने तमाम मशीनी किताबें पढ़ी, उनको इतना नहीं हुआ इतफाक से 30-40 सफात की एक किताब थोड़े में पढ़ी। उन्होंने बाद में ना फाता सोचा लाम उसको भी दे एक नौजवान शख्स की 30-40 सफात का लिखूं पहले मौका में खास सफात से के साथ से जब उन्होंने किताब पढ़ी तो हैरत ज़्यादा रह गया। उन्होंने उस नौजवान को बुलाया और बाद में उसको अपने मुल्क का वजीर खारजा बनाया होते हैं। तो चीजें अपने आप को मनवाती है साहब, ये बच्चा मनवाएगा और आप हम आज इतने दलील के नाम पर यहाँ पर रहते हैं, इंशाअल्लाह एक जखीम मजमा होगा और इसकी वाहवाही होते रहेगी, साथ ही साथ हमारे शहर का भी नाम होगा। ये शहर अब साफ हर तरफ से हमारे ऊपर तीर चलते हैं और आखिर में यही होता है कि नहीं इस शहर से ही कमाई जाती है। आज कोविड के जमाने में कोरोना के जमाने में क्या हुआ,
और उसके बाद ऐसा हुआ कि मंसूरा का काड़ा को यकीन नहीं आ रही है, बिहार में भी फोन आते थे कि है क्या आपके पास वो काड़ा, क्या मैं देहाती हूँ मुल्क के बाहर जा नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये कहीं लोगों का शहर अपनी मारी खाने वाला अपने आप को कुछ ना कुछ करने वालों का ये शहर है, जिसको हम बोलते हैं ना कि हम लोग तो यानी वो भंगार लोग जो लोग फेल करते थे उसमें जो हम लोग अपनी कमाई अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, कई टैलेंट लोगों का कई लोगों का शहर है, उस पर से हमारा समय लिया। मैं इस बात को फिर से एक बार दिल से बहुत बहुत।